इससे पहले वाली वीडियो में हमने पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ा था। पैरेलल लाइंस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा कि इन एंगल्स को किस तरीके से लिखा जाता है। तो आपके पास ये एक फिगर दी हुई है जिसमें दो पैरेलल लाइंस हैं ए बी एंड सी डी। ए बी एंड सी डी ये दो पैरेलल लाइंस हैं। इन दो पैरेलल लाइंस में दो ट्रांसवर्सल हैं। मैंने आपको एक ट्रांसवर्सल के बारे में बताया था, एक हो, दो हो, तीन हो, पांच हो, कितना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो एक ट्रांसवर्सल के साथ एंगल्स बने हैं, जो एक ट्रांसवर्सल के साथ एंगल्स की प्रॉपर्टीज हैं, वो सब सेम ही रहेंगी दूसरे ट्रांसवर्सल के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने दो पैरेलल लाइंस दी हैं, दो ही ट्रांसवर्सल दी हैं एंड आपको ए बी सी डी जो अननोन एंगल्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं। दो एंगल्स यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पी क्यू जो ट्रांसवर्सल है इसको ले लेते हैं क्योंकि इसमें एक ही अननोन वैल्यू है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद दूसरे ट्रांसवर्सल पर जाएंगे। तो यहाँ पर पी एंड क्यू जो ट्रांसवर्सल है उस पर आपको दो एंगल्स मिल रहे हैं। देखिए, एक दिया हुआ है आपको एंगल और एक जो है अननोन एंगल है। ठीक है, और ये दोनों एंगल्स कहाँ हैं, ये दोनों पैरेलल लाइंस के ऊपर, ये दोनों पैरेलल लाइंस के ऊपर वाले एंगल है। तो अभी हमने इससे पहले क्या रिवाइज किया था कि इस तरीके से अगर आपको कहीं एफ दिखाई दे ये, और इस दोनों लाइंस के ऊपर वाले एंगल्स हो या दोनों लाइन के नीचे वाले एंगल हो, तो ये दोनों लाइन के ऊपर वाले एंगल है, इनको क्या बोलते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अगर ये 48 का है तो ये भी 48 का होगा क्योंकि वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, तो आप इसको बहुत आराम से देख सकते हैं, इसमें एंगल ए इज इक्वल टू 48 डिग्रीज क्यों है, क्योंकि ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इसीलिए अगर ये 48 का है तो ये भी 48 डिग्रीज का होगा एंगल। ये था आपका पहला ट्रांसवर्सल। अब दूसरे ट्रांसवर्सल की तरफ चलते हैं। तो दूसरे ट्रांसवर्सल में आपको ये दो एंगल्स दिए हुए हैं। देखिए, मैंने कहा था कि अगर कहीं पर भी दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इस तरीके से जो एंगल्स क्रॉस में आते हैं उसको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बोलते हैं। तो अगर ये 61 डिग्रीज है तो ये भी कितना होगा, 61 डिग्रीज। रीज़न, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। हमने बोला था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, तो रीज़न साथ में देना है कि क्यों हम इनको इक्वल कर रहे हैं। तो हम इनकी ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टीज हैं उसको यूज़ कर रहे हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की। तो वर्टिकली एंगल ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, इसीलिए हमने इन दोनों एंगल्स को इक्वल कर दिया है। अगर ये 61 है तो बी भी 61 होगा। ठीक, दो एंगल्स हमने फाइंड आउट कर लिए। अब चलते हैं इस एंगल डी की तरफ। देखिए, फिगर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अब जरूरी नहीं है कि यहाँ ए बी, पहले सी ही मुझे सॉल्व करना है उसके बाद मैं डी करूँगी। नहीं, मैं डी सॉल्व कर सकती हूँ, अगर मुझे आसानी से मिल रहा है उसका आंसर तो मैं डी पहले सॉल्व कर सकती हूँ। तो देखिए, ये दो पैरेलल लाइंस हैं हमारे पास, और अभी जैसे हमने देखा था इन दोनों पैरेलल लाइंस के ऊपर वाले एंगल्स को हमने कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स बनाया था, इसी तरीके से ये दोनों जो लाइंस हैं ना, इसके नीचे वाले दोनों एंगल्स हैं, तो ऑब्वियस बात है ये भी कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। दोनों ऊपर के या दोनों नीचे के एंगल्स क्या होते हैं, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो जितना एंगल बी है उतना ही एंगल डी भी होगा क्योंकि कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा सेम होती है। तो जो डी है वो इक्वल टू बी होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दोनों कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। रीजन दे देते हैं यहाँ पर, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं एंड कोरिस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर डी जो है वो बी के बराबर लिख सकते हैं। बी कितना है, 61, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 61 डिग्री। ठीक, अब देखिए, अब रह गया सी। अब अगर आप सी और डी को देखें कुछ इस तरीके से, तो ये दोनों लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। जहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन आ जाती है वहाँ पे लीनियर पेयर ज़रूर होगा। तो यहाँ पे हम सी प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज कर सकते हैं। रीज़न देंगे, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर हैं, लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन पर बनते हैं और स्ट्रेट लाइन कितने की होती है, 180 डिग्रीज की। तो यहाँ पर हमें सी फाइंड आउट करना है, डी की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो डी की जगह उसकी वैल्यू को टक कर देंगे हम, इज इक्वल टू 180 डिग्रीज।
क्योंकि हमें सी की वैल्यू निकालनी है, तो 180 में से 61 उधर ले जाइए, माइनस कर दीजिए, तो आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो सी जो होगा वो कितना होगा, 119 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो गया सी इज इक्वल टू 190 डिग्री। ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, अगेन करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये जो बन रहा है मिला के वो है लीनियर पेयर। देखिए लीनियर पेयर मैंने आपको कहीं पर भी एक्सप्लेन नहीं किया पैरेलल लाइंस में, लेकिन आपको मालूम है कि जहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन आ जाती है वहाँ पर आप लीनियर पेयर या सप्लीमेंट्री एंगल्स बहुत आराम से बना सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं कि जितना मैंने लीनियर पैरेलल लाइंस में एक्सप्लेनेशन दिया है उतना ही आपको इसमें यूज़ करना है, नहीं। अगर आपको यहाँ इस तरीके से लीनियर पेयर दिख रहा है, आप लोग प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं उसकी। ठीक है, इस तरीके से हमने इसे सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्राई करिएगा आप लोग भी अपने आप।